मैडम जी, वो नाथ जी आ रहे हैं, रोकू क्या उसको? अरे कुछ नहीं है उसके पास, जाने दे। और वो नाथ नहीं, सपेरा है, समझ गया? मैडम जी, आप ही तो कह रही थी इनके पास बड़ा खजाना होता है। अरे वो नाथ बहुत पहुंचे हुए होते हैं जिनके पास खजाना होता है, समझ गया? और इसके पास ना कुछ नहीं है, एक नंबर का फेंकू है। अच्छा, हवलदार साहब, नमस्ते। मैडम जी, जय हिंद। हाँ भाई, कहाँ से आ रहे हो? और तूने शराब भी रखी है, वो भी ऑन ड्यूटी? हवलदार साहब, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। मैडम, चापुहा आपने कहाँ से आ रहा था? मैं मैडम मुंबई से आ रहा हूँ। मुंबई? वहाँ क्या करने गया था? हवलदार साहब, करिश्मा कपूर का नाम सुना आपने? सुना भाई। मुझे खबर मिली करिश्मा कपूर की आंखों में कोई परेशानी है। मैंने फिर अपना पिसा हुआ नागमणि का सुरमे की दो सिलाई आंख में डाल दी करिश्मा कपूर जी के, ऊपर से लगते दो मंत्र दे मरे। करिश्मा कपूर जी की आंखें तो टल्ली वर्गी हो गई, बस वहीं से रिटर्न आ ही रहा था कि मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वाह भाई, क्या बात है, लड़की पर? आगे बता क्या हुआ, फिर बता बता। जनाब, ऐसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैंने तो क्या, हवलदार साहब, मैडम जी आपने भी नहीं देखी होगी। क्यों, उस लड़की के पंख लगे थे क्या? यस। हाँ? यस मैडम, उस लड़की के पंख लगे थे। उस लड़की के एक चिखा चिखा नाक, दो कान, दो आंखें। अरे बेवकूफ, तो क्या मेरी चार आंखें, चार कान और दो नाक हैं क्या? कूल मैडम, कूल कूल। उसके पंख लगे थे, आपके पंख है क्या? तो फिर क्या हुआ फेंकू सपेरा जी? हवलदार साहब, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, अखियां लड़ी लड़ी बीज बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। हाँ हाँ भाई, सुना है, अच्छी तरह सुन रखा है। तो हवलदार साहब, मेरी भी अखियां बीच बाजार में लड़ गई थी। वो तो मुझे 20 मिनट बाद पता चला मैडम कि वो क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है, बता तो सही भाई। 20 मिनट बाद पता चला हवलदार जी कि वो आंखों से अंधी है, देख नहीं सकती। ओहो हो हो हो, रास्ता भटक कर पृथ्वी लोक में मुंबई में आ गई। बहुत बुरा हुआ सोलदार जी, बहुत बुरा हुआ भाई, ये तो तेरे साथ। लेकिन अवेदार साहब, मैं रूपनाथ का चेला, हार मानने वालों में नहीं था मैडम। मैंने अपनी जड़ी बूटी सुरमा निकाला, दो सिलाई उसके आंख में डाल दिए और ऊपर से दो मंत्र दे मारे। फिर क्या हुआ? फिर क्या मैडम, चमत्कार चमत्कार ही होना था। उसकी आंखें 440 वोल्टेज की तरह चकबक जगमग करने लगी। हवलदार साहब, जब वो लड़की ठीक होकर जाने लगी, उसने खुश होकर
मेरे को अपनी जादुई छड़ी दे दी और कहा इस छड़ी से तू कुछ भी कर सकता है, बड़े बड़े जादू दिखाती है छड़ी। ये तो कमाल ही हो गया सपेरा जी, तो फिर इस छड़ी का हमें भी कोई जादू दिखा दे। होलदार साहब, आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनते हो। मेरा दिल करता है कि यह छड़ी आपके ऊपर से घुमा दूं और आपको सीधा एसपी बना दूं, और ये मैडम है ना, आपको यस्सर करती घूमेगी। तू फिर लग गया प्रमोशन देने, हवलदार भगा इसे। ओए भाग, प्रमोशन के चक्कर में पूरा दिन खराब कर दिया। क्या देख रहा उधर? नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी है ये फलक फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई गई है, और इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद हमारा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।